सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ चुका हूं एक और वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट की। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं ऐसा मॉड पैक, जिस मॉड पैक को यूज करने के बाद आप अपने माइनक्राफ्ट के अंदर किसी भी मॉब के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे आपको विदर और वार्डन जैसे मॉब भी देखने को मिल जाएंगे, जिसको तो आपको पता है कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं और उनके पास कितनी अच्छी अच्छी एबिलिटीज है। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के मैं आपको ये भी शो करता हूँ कि आप इस अपने मॉड को कैसे यूज कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट के अंदर। और एट द एंड मैं आपको ये भी शो कर दूंगा कि आप इस मॉड पैक को अपने माइनक्राफ्ट के अंदर इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। तो गाइस, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली बैठे रहना है और वीडियो को एकदम लास्ट तक एकदम अच्छे से देखना है और आप एकदम अच्छे से मॉड को इंस्टॉल करना सीख जाओगे और यूज करना भी सीख जाओगे। अगर स्किप कर देखोगे ना तो कोई मतलब नहीं, आपको खुद को ही समझ में नहीं आएगा। तो गाइस, मॉड मेन्यू को अनलॉक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्राउच करना है, जंप मारना है और यहाँ पे आपका मॉर्फ मेन्यू अनलॉक हो जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपने जितने भी मॉब्स को मारा है उनके मॉब का मॉर्फ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं तो अभी क्रिएटिव में हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको सारे के सारे मॉब्स देखने को मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बेच या फिर बी बन सकता हूँ, बी बनने के बहुत सारे फायदे हैं कि हम उड़ भी सकते हैं। और उड़ने के लिए आपको यहाँ पे आपको एजुकेशन एडिशन को चालू करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर उड़ पाओगे। तो गेम मोड को जल्दी स्विच कर लेते हैं सर्वाइवर में, ताकि यहाँ पर मैं आपको उड़ के भी दिखा पाऊँ। यहाँ पर मैंने कर लिया गेम मोड एस और यहाँ पर आप मेरे हार्ट को भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा कम हो गए। और पर यहाँ पर मैं उड़ भी सकता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वही बहुत अच्छी स्पीड से उड़ सकता हूँ, फुल एकदम क्रिएटिव वाली फील आ रही है। पर आपको लैंड एकदम अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फॉल डैमेज ज़रूर पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मॉर्फ मेन्यू वापस से अनलॉक पूरा कर सकता हूँ, पर यहाँ पर कोई भी मॉब नहीं दिखा रहा, खाली एडल्ट ज़ॉम्बी दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक उसी को मारा है। तो अगर मेरे को पूरा पूरा मॉर्फ मेन्यू देखना अच्छे से, वो गेम मोड को क्रिएटिव में करना पड़ेगा। तो GMEMODEC और गेम मोड क्रिएटिव अपना स्विच हो चुका है। आपको जितने भी गेम अपने मॉर्फ के मॉर्फ अनलॉक करना है, सिंपली उसको किल कर लीजिए और यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज आएगा कि आपका वो अनलॉक हो चुका है। और वैसे ये बहुत अच्छी बात, मेरे को स्पॉन पर पूरा स्वैम्प बायोम के साथ साथ मैंग्रोव बायोम भी मिल चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। खैर, अपने कोई मतलब नहीं, अपने को मॉड से मतलब है, तो सिंपली मॉड के ऊपर फोकस करते हैं। थोड़ा बहुत और भी मॉब्स देख लेते हैं, जो कि आपका सबसे फेवरेट हो गया वार्डन। यहाँ पर वार्डन में कन्वर्ट तो हो चुका हूँ और आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि फिर मेरे को ये डार्कनेस कैट क्यों चढ़ा है, ये तो बहुत बेकार चीज़ होगी ना। वैसे तो आपको पता ही होगा, जो अपना क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है, वार्डन, वो अंधा रहता है, यानी कि इसकी आँख नहीं, वो खाली डिटेक्ट कर सकता है बाय लिसनिंग टू अदर साउंड्स। तो यहाँ पे इसकी आँख का कोई मतलब नहीं है, फिर भी यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है, मतलब 90% नहीं दिख रहा, आपको 10% कुछ दिख ही रहा होगा। और यहाँ पे आपका अटैक डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैं इसको वन शॉट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, एडल्ट पिग मॉर्फ भी मेरा अनलॉक हो चुका है और मेरे पास एक सोनिक बूम नाम की चीज़ आ चुकी है, जिसको यूज़ करने के बाद ना आप सोनिक बूम मॉर्फ को एक टाइप से, आपके पास एक लॉन्ग रेंज वेपन आ गया, जिसको यूज़ करने के बाद ना आप किसी को बहुत ही तगड़ा नॉक बैक और बहुत ही अच्छा डैमेज दे सकते हो। और आपके सामने ये नॉर्मल प्लेयर्स तो कहीं भी नहीं लगेंगे, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत सोनिक बूम मारते हैं। वैसे वो हिल गया वहाँ से, खैर कोई दिक्कत नहीं, अब मैंने इसके ऊपर एकदम सही से टारगेट कर रखा है और देखो भाई वन शॉट हो गया। तो इसको कहते हैं बहुत ही तगड़ा मॉर्फ। वापस अपने नॉर्मल प्लेयर के अंदर आते हैं, यानी कि स्टीव बन जाते हैं और मैं वापस स्टीव बन चुका हूँ। तो ऐसे आप किसी भी मॉर्फ के अंदर मॉर्फ हो सकते हो और उसकी एबिलिटीज़ को गेन कर सकते हो। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के मैं आपको ये भी शो करता हूँ कि आप इस मॉड को अपने माइनक्राफ्ट के अंदर इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है, जो कि मीडियाफायर की, ताकि आपको डाउनलोड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना होए। और आफ्टर डाउनलोडिंग आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली फाइल के ऊपर टैप कर देना, आपका माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली वर्ल्ड को करना है क्रिएट। और यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है ना, वेनिला एक्सपेरिमेंट, सॉलिडी क्रिएटर फीचर्स, कस्टम बायोम्स, ये सबको आपको एक्टिवेट कर देना है। और अगर आपको मॉब के साथ उड़ना भी है तो एजुकेशन एडिशन को चालू करना मत भूलना। और एडवांस सेक्शन में आपको मिल जाएगा मॉर्फ प्लस वर्जन 5 रिसोर्स और बिहेवियर, दोनों को एक्टिवेट करने के बाद सिंपली कर दीजिए अपनी वर्ल्ड को क्रिएट। तो और गाइस, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे रखी है, जहाँ पे आपको मॉड के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इट हेल्प्स मी अ लॉट। वैसे भी हम 60K के बहुत ज़्यादा नियर हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।